हाय गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे हो। तो मेरा नया यूट्यूब चैनल का ये पहला फास्ट ब्लॉग है। तो मैं पहला ब्लॉग में भगवान के नाम के करना चाहता हूँ। तो आज माँ शिवरात्रि है, सबको मेरे तरफ से माँ शिवरात्रि का बहुत बहुत शुभेच्छा। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। भीड़ में बहुत बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है, हम लोग क्या मस्ती किए है, बहुत अच्छे खूबसूरत चीज़ आपको देखने मिलेगा। वीडियो को स्किप करना और भाई का चैनल समझ के सब लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नया नया इंटरटेनमेंट वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। ओके, चल वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। चलो आज माँ शिवरात्रि है, तो सबको मेरी तरफ से माँ शिवरात्रि का बहुत बहुत शुभेच्छा। तो मैं पहले मैं स्नान जाऊंगा, मेरे सामने गंगा है, ये मेरे गंगा के साइड में मेरा घर है। तो यहाँ पर गंगा में से स्नान करने जाऊंगा मैं, आपको लोग को देख दिखा कितना बड़ा गंगा है ये गंगा है, गंगा में स्नान करने जाऊंगा। उसके बाद मंदिर जाऊंगा। ओके, बाइक से मंदिर जाऊंगा हम लोग, मेरा एक मैं और मेरा दोस्त जाएंगे। चलो नहा के आ जाते। ओके, A few moments later. तो मैं गंगा से नहा के आ गया, अब मैं रेडी होऊंगा। रेडी होने के बाद मेरे दोस्त को कॉल करूंगा, उसके साथ उसके बाइक पे जाएंगे मंदिर पे। चलो जाते हैं। ओके, 3 hours later. तो गाइस मैं रेडी हो गया, तो अब दोस्त के साथ निकल रहा हूँ। चलो तो गाइस मेरा दोस्त आ गया, उसके बाइक पे बैठ के हम लोग जा रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी में था ना, इसलिए हम लोग का पहला वीडियो वो जब आए थे तब नहीं बना पाए। हम जा रहे हैं मंदिर पे। ये देखो मेरा दोस्त बाइक चला रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं, मेरे घर से मंदिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। और मेरा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मुर्शिदाबाद जिला बहरमपुर से बिलोंग करती हूँ। फाइनली हम लोग पहुंच गए। यह मंदिर के लगभग 500 मीटर दूर है, पहला लाइटिंग है ये। अब इधर से पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि सामने इतना जो जैम है ना, तो गाड़ी नहीं जा सकती। हम लोग कोशिश करते हैं गाड़ी जाने ले जाने के लिए क्योंकि लेट हो रहा है बहुत। तो गाइस उस रास्ते पे बहुत जाम था, हम लोग दूसरा रास्ते पकड़ के आ गए। तो मैं यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करके साइड पे मंदिर के अंदर जाएंगे। तो मंदिर के सामने इतना जो भीड़ है ना, आज महाशिवरात्रि है, तो मंदिर के सामने का गेट का जो मेन पोजीशन है उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया पहले, तो उसको लास्ट में दिखा दूंगा। तो अब गाड़ी पार्किंग करके मंदिर के आगे जाते हैं, वीडियो को इंजॉय करो। चलो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। Oh,
सुंदर डेकोरेशन है, इतना सुंदर डेकोरेशन किया है। ये मेन मंदिर यार संकीर्तन हो रहा है, इसके अंदर हमारा महादेव बैठी है, बहुत ही सारे लोग हैं। बाहर पे महादेव का महामूर्ति है, उसका जाने के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को। माइक का इतना साउंड है, मेरा बात आपको सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर एक नदी है, उसको बोलते हैं काटी गंगा। ये मंदिर का पीछे की साइड, आज महाशिवरात्रि है ना, इतना लोग है यहाँ पर। मंदिर के अंदर का तो चांस तो हमको नहीं मिलेगा, अगर होता है तो पीछे से जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली ऊपर वाला का कीपा में, महादेव का कीपा में हम मंदिर के अंदर आ गया। आप हम लोगों को दिखाएंगे पतलेश्वर का मंदिर में, हम महादेव का आपको दिखाएंगे, तो मौका मिलेगा तो दिखाएगा। मंदिर के बीचों बीच ये जो दिख रहा ना घर है, घर है ना, ये घर पे अपनी महादेव रहता है। तो इतना भीड़ है ना, हमको तो मौका नहीं मिल रहा है, शायद महादेव को देखने को नहीं मिलेगा। मंदिर का अंदर तो आ गया, पर क्या करे, होता है तो दिखा देंगे आपको किसी और दिन। तो अभी दिखाता हूँ बाहर से ही आपको, कितना भीड़ है देखो, सब लोग फूल चढ़ा है, बहुत लोग, इतना भीड़ है ना महाशिवरात्रि दिन का, इतना भीड़ रहता है यहाँ पर, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। ये देखो सबको घिर के, महादेव को घिर के फूल चढ़ा रहे हैं, वो जो पाताल में है, महादेव हमारा पाताल में है, इसलिए इसको पतालेश्वर बाबा मंदिर बोलते हैं। बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, एकदम मस्त लग रहा है। तो मंदिर को दर्शन कर लिया, आप लोगों को भी दर्शन कर दिया, तो अब हम घर जा रहे हैं, तो बाहर निकल का रास्ता से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर गेट बंद है, तो हम लोग को पुलिस वालों ने बोला तो बाहर जो बाईपास है ना वहाँ से निकलना होगा। ये मेरा दोस्त है ना, ये बहुत मजाक करती है ना, वो जो लड़की है ना, वो लड़की देखने ही आता है, सिंगल आदमी है ना, इसलिए इसको पार्वती अभी तक नहीं मिला, इसलिए सब लड़की को देखते हैं, किसी भी लड़की को पसंद हो जाता है, क्या ही बोल देता है बंदे, मेरे दोस्त बहुत मजे करती है। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो आप लोग को बताए थे मंदिर के बाहर एक बड़ा सा शिव मंदिर है, उसको दिखाएंगे, और मंदिर का जो सामने वाला जो गेट है ना, वो बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया, उसको भी दिखाऊंगा। चलो निकलते हैं बाहर। तो हम दोनों मंदिर के बाहर आ गया, वो जो सामने वाला गेट था ये साइड वाला गेट से निकल गया, उधर गेट बंद कर दिया, इतना भीड़ है, इतना लोग है, सामने आपको दिखेगा। चलो अब हमको मंदिर के सामने फिर से जाएंगे, वो जो बड़ा वाला मूर्ति है महादेव का उसको दिखाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देखते, देख रहे हो सामने कितना भीड़ है, अब चलो देखते आगे जा पाऊँगे नहीं। कमेंट पे आप लोग ज़रूर जाना, वीडियो का कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, ओके भाई। तो देख रहे हो महादेव का मूर्ति सामने कितना सुंदर लग रहा है, लाइटिंग वगैरह देर का है, वो सामने वाला गेट है ना, सामने वाला गेट वो सामने है। चलो थोड़ा करीब तो नहीं जा सकते, यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देते हैं, इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ आपको, बहुत खूबसूरत लग रहा है।
कितना लोग है, जाने की जगह नहीं है। देखो आप लोगों को गेट दिखा दिया सामने वाला, ये देखो हमारा महादेव ऊपर बैठा है, उसके सर से गंगा धारा निकल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी मौका मिलेगा तो आप लोग आ जाना वेस्ट बंगाल में बहरमपुर में पतालेश्वर मंदिर कासिम बाजार पे है। सब लोग फोटो क्लिक कर रहे हैं, ये देखो महादेव कितना अच्छा लग रहा है। हर हर शंभु जय महादेव। तो भाई लोग वीडियो को ऐसे ही ख़त्म करते हैं, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके टाटा बाय बाय।